हाय फ्रेंड, यू आर वाचिंग अंशिता दी ब्यूटी टिप्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लैक हेयर डाई बताने जा रही हूँ। आज की वीडियो फ्रेंड रिक्वेस्टेड है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछा था कि मैं वाइट हेयर के लिए कोई डाई शेयर करूँ, तो आज फ्रेंड मैं आपके साथ में एक नई डाई शेयर करने जा रही हूँ। इसे ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव डाई है, बहुत सालों से यूज़ की जा रही है। आज मैं जो डाई बताने जा रही हूँ वो बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ में बनाऊँगी मैं आपके साथ में। और इसे बनाने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे वीडियो कोई भी मिस ना करें। तो चलिए फ्रेंड, आज मैं फ्रेंड आपको चाय की पत्ती से डाई बनाना बता रही हूँ। इसको बनाने के लिए मैंने 2 से 3 चम्मच चाय की पत्ती ली है। अब हम इसे अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि डाई लगाने के बाद में एक बार में इफ़ेक्ट नहीं आता है, तो फ्रेंड मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये नेचुरल चीज़ें हैं, थोड़े टाइम यूज़ करने के बाद ही आपको बेस्ट रिज़ल्ट देती हैं। और अगर एक बार में कोई चीज़ रिज़ल्ट दे सकती है वो तो सिर्फ आपको केमिकल डाई ही दे सकती है। तो फ्रेंड पेशेंस के साथ में इसे लगाइए, रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारी चाय की पत्ती अच्छे से रोस्ट हो चुकी है और इसे हमें जलाना नहीं है, बस सिर्फ रोस्ट करना है। इसके बाद में जब ये ठंडा हो जाए तो हमें ग्राइंडर में इसे ग्राइंड कर लेना है। अब हम रोस्ट चाय की पत्ती को और सिंपल चाय की पत्ती को मैंने दोनों मिक्स कर लिए हैं और उसे ग्राइंडर में डालकर मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और फाइन सा इसका पाउडर बना लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं डाई बनाना। अब मैं यहाँ एक खाली पैन ले रही हूँ। इसके बाद में हमें यहाँ 1 गिलास पानी डालना है इसमें और इस पानी को अच्छे से बॉईल करना है। इसके बाद में अब हम यहाँ 1 टीस्पून चाय की पत्ती डालेंगे और इसे जब तक बॉईल करेंगे तब तक ये पानी आधा नहीं रह जाता। इसे बहुत अच्छे से हमें बॉईल करना है, कम से कम हमें इसे 15 मिनट तक बॉईल करना है पानी को, जिससे से चाय की पत्ती का अच्छा सा कलर इसके अंदर आ जाए। ये देखिए, अब हमारा चाय की पत्ती का पानी बॉईल हो चुका है। अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। अब जो पानी हमने स्ट्रेन किया हुआ है अब हम उसे एक पैन में डालेंगे और वापस से बॉईल करेंगे। उसके बाद में जो चाय की पत्ती हमने रोस्ट की थी और उसका पाउडर बनाया था उसमें 2 टेबल स्पून चाय की पत्ती ऐड करेंगे। इसे अच्छे से चलाइए और 5 से 7 मिनट तक इसे अच्छे से वापस पकाना है हमें, जब तक ये थोड़ी थिक नहीं हो जाती है, ताकि इसका बहुत अच्छा सा कलर हमारे बालों के ऊपर आए। अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो आपके ग्रे हेयर ब्लैक होने लगेंगे, बहुत ही जल्दी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। ये देखिए फ्रेंड, ये डाई हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। आपको इसे अपने बालों पर कैसे लगाना है वो मैं बता देती हूँ। आपको इसे कॉटन की हेल्प से अपने बालों की जड़ों में लगाना है और 15 मिनट के लिए आपको अपने बालों पर लगाकर छोड़ना है। अगर आप बालों में ज़्यादा अच्छा कलर चाहते हैं, आपके बाल ज़्यादा अच्छे से ब्लैक हो जाएं, तो आपको 1 से 1.5 घंटे के लिए अपने बालों में इसे रखना है। उसके बाद आपको इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर देना है, आपको शैम्पू नहीं करना है। नेक्स्ट डे आप ऑयलिंग करके अपने बालों में शैम्पू कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से यूज़ करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अपने रिजल्ट मेरे साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलती हूँ फ्रेंड आपसे न्यू वीडियो में। टेक केयर।